नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, sec की पावर 4x माइनस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलजेब्रा साइड उठा के ले चलो। एलजेब्रा साइड क्या दिया गया है, sec की पावर 4x माइनस का sec स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो क्या करो, इसमें सबसे पहले sec स्क्वायर x कॉमन लो, sec स्क्वायर x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर x माइनस का 1 sec स्क्वायर x। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आइडेंटिटीज को यूज करना है। आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। हमें tan में ही लाना है, हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, तब इस आइडेंटिटी को यूज कर ले रहे हैं। sec स्क्वायर x जो दिया गया है इसको चेंज कर दो, इसमें लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, अंदर वाले sec को भी चेंज कर दो, उसको जब चेंज करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, माइनस का 1 कर दो, तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखो साफ साफ दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आया। sec स्क्वायर x जो दिया गया इसको चेंज करो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x, अंदर वाले sec स्क्वायर x को चेंज करो, दैट इज इक्वल टू द 1 प्लस tan स्क्वायर x, माइनस का 1 जो बना है उसको वैसे ही बना रहने दो। अब देखो ये प्लस का 1 या माइनस का 1 दोनों ही कट जाएंगे, तो बचा क्या, बचा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में बचा हमारे पास tan स्क्वायर x। ये चीज बचा कि नहीं बचा, अब क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाई कराओ इस वाले ब्रैकेट को, मतलब tan स्क्वायर x का इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है, प्लस का tan की पावर 4x। क्या हम LHS सॉल्व कर रहे थे, RJ साइड पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, तो बस प्रूव हो गया कि sec की पावर 4x - sec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर x प्लस का tan की पावर 4x होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू sec x प्लस tan x स्क्वायर। ठीक है, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन हुआ, 2008 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। LHS साइड इसका भी लेके चलो, LHS साइड लेके चलो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो जब इस चीज को किया है तो समाज में आ रहा होगा क्या करना है, इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराना है, तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराओ, 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ, माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, प्लस से होगा, तो 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई कराया मतलब होल स्क्वायर बन गया ऊपर, तो होल स्क्वायर बना ना, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे दैट इज इक्वल टू द ए माइनस बी ए प्लस बी, बार बार बताया ए माइनस बी जहां दिखे और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी एक साथ जहां दिखे वहां क्या कर दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तब्दील कर दोगे, चेंज कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे लिखा रहने दो, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा, होल अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको इस तरह लिख सकते हो ना, 1 प्लस साइन एक्स, देखो क्या लिखा है, 1 अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, तो उसने इसका चेंज कर दिया। अब क्या बचा, अब बचा है 1 अपॉन में कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसने क्या है, हमने स्प्लिट कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस हमारा सेक्स एक्स के बराबर होता है, यहाँ सेक्स कर दिया, प्लस का साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ पर टेन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। देखो LHS लेके चल रहे थे और हमारा आरजे साइड आ गया, देखो कुछ नहीं किया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिंपली कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराया है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराने के बाद 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स जो दिया गया है, आइडेंटिटीज दिमाग में हमारा पहले ही है, तो 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, उसको कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर दिया, सॉल्व कर दिया सिंपली, तो sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर आ गया है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया हो आपको, क्या आया है, sec x प्लस का tan x का होल स्क्वायर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया cos x माइनस का cot x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, LHS साइड उठा के ले चलो, यहां पे LHS साइड जो दिया गया दैट इज इक्वल टू द cosec x माइनस का cot x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रेसिप्रोकेशन को यूज करेंगे, 1 अपॉन cosec x किसके बराबर, तो 1 अपॉन cosec x होता है 1 अपॉन sin a के बराबर, तो यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन sin a माइनस का cot x किसके बराबर, तो cot x होता है बराबर cos x अपॉन में sin x के बराबर होता है। यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा x है, sin के साथ भी क्या आएगा, हमारा sin के साथ भी x ही आएगा, a नहीं आएगा यहाँ पर,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करो उसको, अब ये जो चीज दिया गया डेट इज इक्वल टू अपॉन के बराबर है, ठीक है, तो होल अपॉन लगा लो यहाँ पर। नीचे क्या लिखो, यहाँ पर साइन एक्स लिख दो, इसको क्या लिख दो वन अपॉन कॉस एक्स, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या कर दो, उसको ब्रैकेट लगा दो, फिर से चेंज करो, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब एक ही चीज क्या लिखी, दो बार लिखी गई, तो नीचे क्या लिख दो साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू द वन, वन के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो नहीं सकते, तो इसको चेंज कर दो। अब ऊपर एक चीज और ध्यान रखो, वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब इसको दो बार लिख सकते नहीं सकते, तो लिख सकते हैं लोग वन अपॉन कॉस एक्स, इस तरह लिख सकते हो वन माइनस कॉस एक्स, सेकंड ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो वन माइनस कॉस एक्स, दो बार लिख लिया मैंने। साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो, दैट इज इक्वल टू द वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या बचा है हमारे पास, देखो फिर से बगल में ही कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहे हैं, और बगल में समझना कैसे करा गया है, तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ब्रैकेट बगल में लिखो, देखो वन माइनस कॉस एक्स, सेकंड ब्रैकेट में वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। वन माइनस कॉस, देखो यहाँ लिखा है वन का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है कि नहीं बना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स ऊपर वाला ऐसे ही सेम टू सेम बना रहे, तो नीचे लिख सकते हो वन प्लस कॉस एक्स, सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखो, सेकंड ब्रैकेट लिखो वन माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास वन माइनस कॉस एक्स होल अपॉन में वन प्लस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। एलजे साइड लेके गए थे, आरजे साइड सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में, सिंपली कॉस एक्स को चेंज कर दे, प्रोग्रेशन का, तो कॉस एक्स को वन अपॉन साइन एक्स होता है, एंड कॉट एक्स जो इक्वल टू द होता है कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स के बराबर होता है। होल अपॉन में दिया गया था, तो कुछ नहीं करना है, वन माइनस कॉस अपॉन में साइन एक्स कर दिया, उसका होल अपॉन में कर दिया है, मतलब होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। तो होल स्क्वायर कर दोगे तो वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, दैट इज एक आइडेंटिटी पढ़ाया था, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द ए माइनस बी, एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। चेंज कर दिया वन माइनस कॉस एक्स, नीचे भी वन माइनस कॉस एक्स, दोनों ही कट जाएंगे, बचा क्या हमारे पास, बचा वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यही हमें प्रूव करके लानी थी, हमने करके ला लिया है। सीबीएसई जो हमने टू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की भी आप कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec theta plus tan theta minus का 1 whole upon में tan theta minus sec theta plus 1 is equal to cos theta upon में 1 minus sin theta। CBC 2002, 2003 and 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, उसमें लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, तो कॉपी में नोट करते हुए चलना, पहले समझना फिर कॉपी में नोट करते हुए चलना, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एलजे साइड जो दिया गया है, देखो क्या sec theta plus का tan theta माइनस का वन होल अपॉन में जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू द टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का वन। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाना हल्का सा। आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी है, आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी, क्या आइडेंटिटीज पढ़ रखी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऐसे ना पर देखो, तो देखो आइडेंटिटीज जो पढ़ रखी, क्या पढ़ रखी है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द वन प्लस tan square theta is equal to the sec square theta, identity पढ़ रखी कि नहीं पढ़ रखी। जब हमें वन लिखा होगा तो क्या लिखना है, वन हो जाएगा तो sec square theta minus का tan square theta, अगर ये कहीं दिखता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। अगर वन लिखता होगा तो हम उसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, sec square theta minus tan square theta, क्योंकि वो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में वन दिख रहा है, तो हम यहाँ वन की जगह क्या लिख देंगे, sec square theta minus tan square theta। ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों हमने चेंज किया इसको। अभी फिलहाल के लिए वन की जगह आप क्या कर दो, sec square theta minus tan square theta को पुट कर दो, ठीक है। समझ में आया क्यों पुट किया है, कैसे पुट किया है, समझ में आ गया होगा। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, आइडेंटिटी समझ में ऊपर गई आपको ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसके बराबर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये तो पता हो गई। लेकिन यहाँ पर वन की जगह हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा ऊपर लिखा रहे, तो ऐसे ही ऊपर लिखा है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, माइनस की जगह लिख दो
स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख रहे तो नीचे लिखो, ऐसे लिख रहे दो टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का वन, ये ऐसे ही बना रहेगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया, इसको चेंज कर लो, ए माइनस बी और ए प्लस डी में चेंज करो। जब इसको चेंज करोगे ए माइनस बी और ए प्लस डी में तो क्या आएगा, देखो जरा पे ध्यान से देखना, इसको चेंज करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखो sec थीटा प्लस का tan थीटा, तो बना रहने दो, माइनस करो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे लिखो sec थीटा माइनस का tan थीटा, एक ब्रैकेट बंद, सेकंड ब्रैकेट लिखो sec थीटा प्लस का tan थीटा। उसने किया सिंपली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया, किसने चेंज किया sec थीटा माइनस tan थीटा, इधर ब्रैकेट में लिखा sec थीटा प्लस का tan थीटा। ये पहले ही बता चुका हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, उसी चीज को मैंने क्या कर दिया, उस चीज को नोट डाउन कर दिया। होल अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारा होल अपॉन में आ जाएगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का वन, क्या आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब सिंपली क्या करना, सिंपली कॉमन लेना है, बचा है तो बस कॉमन ले लो, काम बन जाएगा अपना। कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, कॉमन ले लो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचे, अंदर बचेगा। अब देखो इस पूरे से ब्रैकेट से कॉमन ले रहा हूँ, पूरे मतलब जो न्यूमरेटर दिए गए पूरे न्यूमरेटर में से हमें कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बचा, ध्यान समझना, वन माइनस ये ब्रैकेट लगा रहने दो, ठीक है, ब्रैकेट लगा रहने दो, अंदर क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस का टेन थीटा, और इधर ये चीज कुछ कॉमन चला गया मल्टीप्लाई में तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये चीज बाहर चला गया इंटू वन कर दो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, कॉमन लिया है, ठीक है दोस्त, क्या कॉमन लिया, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन लिया है, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये चीज कॉमन लिया हमने, ये चीज बाहर चली गई, ठीक है। पूरे ब्रैकेट में क्या किया हमने, ऊपर से ध्यान से देखो, पूरे ब्रैकेट डिनोमिनेटर जो दिया गया उस पूरे ब्रैकेट में क्या किया, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो ये चीज सब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन हो जाएगा, वन माइनस ब्रैकेट ये लगा है तो ब्रैकेट लगा रहे, तो ये चीज हम सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, इससे कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई में जो दिया गया तो उसके ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब होल अपॉन में क्या बचा, होल अपॉन में बचा हमारे पास tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का वन, ये चीज बचा। अभी जो माइनस साइन ना इसका मल्टीप्लाई अंदर कराओ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बचेगा, तो ध्यान देखना अंदर अभी क्या बचा है, sec थीटा प्लस का tan थीटा एक ब्रैकेट में है, होल अपॉन में क्या चल रहा है, होल अपॉन चल रहा है tan थीटा प्लस का sec थीटा प्लस का वन, ये चीज होल अपॉन में चल रहा है। अब अंदर देखो वाला खेल, देखो क्या हो रहा है, माइनस है, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो चेंज कर लो, प्लस की जगह क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस कर लो यहाँ पे। अब अंदर क्या बचा है वो देखो, यहाँ पर यहाँ देखो, जब माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो वन माइनस sec थीटा, लिखो जरा वन माइनस sec थीटा, अब क्या बचा है? देखो आगे क्या बचा, अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस साइन कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का tan थीटा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का tan थीटा लिख दो, यहाँ का प्लस का tan थीटा लिख दो। अब देखो क्या बचा, अब कैसे हो रहा है, sec थीटा प्लस का tan थीटा ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में क्या है tan थीटा, इसको इस तरह लिख लो, माइनस का sec थीटा प्लस का वन, होल अपॉन में क्या हो जाएगा, होल अपॉन में हो जा रहा है tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का वन। देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों चीज में सेम सेम दिख रही है, कट हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, अब बचा हमारे पास है sec थीटा प्लस का tan थीटा। अब सिंपली क्या करना, चेंज करना है रेसिप्रोकल का, sec का 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos लिख दो यहाँ पर, cos थीटा प्लस sin थीटा चेंज कर दो, sin थीटा चेंज कर दो, tan थीटा चेंज कर दो, tan थीटा चेंज कर दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, हमें लाना क्या है प्रूफ करके, वो देखो प्रूफ करके लाना है cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, उसको कैसे करोगे, नीचे क्या बचा, cos थीटा बचा, cos थीटा बनाने दो, ये कर दो 1 प्लस sin थीटा, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई सिंपली करा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों कराया नीचे देखो हमें, क्योंकि हमें नीचे क्या चाहिए 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, ऊपर क्या चाहिए कॉस थीटा चाहिए, इसलिए हमने कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराया। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। किसी समझ में आएगी, समझ में आई, समझ में आ गई है, देखो तो ब्रैकेट बगल में ही कर दे रहा हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा।
साइन थीटा स्क्वायर लिखा गया है, एक कॉस थीटा दिया गया है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एक और नीचे क्या है एक कॉस थीटा स्क्वायर से कॉस वाला कट जाएगा, लास्ट जो हमारे पास बचेगा दैट इज इक्वल टू द कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, एलजे साइड लेके गए थे, आरजे साइड आ गया है। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको क्वेश्चन में वन जो दिया गया वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को चेंज कर दिया हमने, किसमें चेंज कर दिया, साइन पर डेटा पर डेटा। अब न्यूमिनेटर में क्या करोगे, न्यूमिनेटर में क्या करना, सिर्फ कॉमन लेना बच जाएगा, बस कॉमन लेना आसानी से कर लोगे, कॉमन लेना अगर कॉमन सावधानी से कर ले जाओगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन में सॉल्व हो गया।